नमस्कार, न्यूज सिटी गुजराती में आपनुं स्वागत छे। आपनी साथे हुं छुं मित्तल। समाचारों पर नजर करिए तो अमदावाद में वस्त्रापुर में 50 लाख की लूट की घटना सामे आवी छे। बाइक पर आवेला शख्सोए लूट ने अंजाम आप्यो। बिल्डर ना व्यक्ति पासे 50 लाख की लूट करी, अंगणिया माथी पैसा लई लूट निकळ्या हता। त्यारबाद कार साथे अकस्मातना नामे लूट आचरी हती। उच्च पुलिस अधिकारी नो काफलो घटना स्थले पहुंचो छे अने तपास हाथ धरी छे। कार साथे अकस्मातना नामे लूट आचरी छे। उच्च पुलिस अधिकारी हाल तो घटना स्थले पहुंचा छे, तपास करी रहा छे। वस्त्रापुर माथी लूट की घटना सामे आवी छे, 50 लाख नी लूट। प्राथमिक दृष्टि एवं है कि बाइक उपर था, बाइक उपर अमनी साथ एक आगर तमारी गाड़ी अड़ी गई है अने गाड़ी अड़ी गई है। वारंवार उभू रहा इमने प्रयत्न करता था, ते दरमियान इमने साथ बात करता था अने जे माणस इमनी साथ न था गाड़ी नो काच तोड़ी अने इमनो थेलो लई गया है। बीजी बधी तपास हाल चालू है। तो नवसारी में एमएलए अनंत पटेले अजगर रेस्क्यू करू। अजगर ना रेस्क्यू नो वीडियो वायरल थई रह्यो छे। सीणधई गाम घर में अजगर गुस्से हतो, ज्यारे अगाव अनंत पटेल रेस्क्यू टीम ना सभ्य पण हता। तो अजगर मळता ज टीम साथे तेओ पहोंच्या हता अने साथे तेओए अजगर नु रेस्क्यू कर्यु छे। तो हवे नजर करिए समाचार सुपरफास्ट पर। सतत छठा दिवस इजरायल हमास युद्ध यथावत। युद्ध में 3000 करता वधु लोकोना मौत थया, तो 8.87 लाख लोग बेघर बन्या। इजरायली सेनाए नागरिकों ने शेल्टर होम में रहेवा माटे सूचना आपी। इजरायल द्वारा हमासना गाजा पर चलावामां आव्यो बॉम्बमारो। इजरायलना वर्ता हुमलामां गाजा संपूर्णपणे पामी नाश। गाजा में वीजळी आपतो एकमात्र पावर प्लांट ईंधणनी अछतना कारणे ठप। हमासे करेला जमीन थी समुद्र सुधीना प्रचंड हुमला में इजरायल बन्यू आक्रमक। एक तरफ गाजापट्टी में अन्न पानी और वीजळी बंद, बीजी बाजू अंधाधार रॉकेट वर्षा थी आक्रमक हुमलो। इजरायल युद्ध में समर्थन माटे अमेरिकाए तात्कालिक धोरणे युद्ध विमान विमानवाहक जहाजो रवाना कर्या। नौकादळना युद्ध जहाजो टैंकर जहाजो पण रवाना। आ सिवाय शस्त्रों की पहली खेप तो पहुंची गई। इजरायली स्थिति ने लेने भारत सरकार नो मोटो निर्णय। इजरायल थी भारतीय ने परत लावा माटे ऑपरेशन अजय लॉन्च। विदेश मंत्री एस जयशंकरे ट्वीट करी माहिती आपी। इजरायल अने हमास वच्चे 6 दिवस थी चाली रह्यु छे युद्ध। आणंद थी इजरायल में स्थायी थयेला लोकोना परिवारजनों में चिंता नो माहौल। आणंद ना 70 થી 100 लोग इजरायल में केटेकर नी करे छे जॉब। जो कि तमाम लोग बॉर्डर थी दूर करेला एरुशलेम तेल अवीव नातानिया डीमूना शहरों में होवाथी परिवारजनों ने राहत। इजरायल ने हमास वच्चे जंग नी सूरत ना हीरा उद्योग पर असर। युद्ध ना कारणे लगभग 4,200 करोड़ नो व्यापार खोरवायो। इजरायल ना तेल अवी मा सूरत ना अंदाजे 20 जेटला उद्योगकारों नी ऑफिस हाल मा कार्यरत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मळशे जेड कैटेगरी नी सुरक्षा। एस जयशंकर नी सुरक्षा मा वधारो करवामां आव्यो। आईबी ना थ्रेट रिपोर्ट बाद गृह मंत्रालय विदेश मंत्री नी सुरक्षा वधारी। 36 सीआरपीएफ कमांडो एस जयशंकर नी सुरक्षा मा रहेशे तेना। दिल्लीना साकेत विस्तार में युवती पर जीवलेण हमलो। एकतरफी प्रेम में युवके छरीना घा मार्या। छरीना घा मारता युवती ने गंभीर इजा। टैक्सी ड्राइवर और स्थानिको हमलाखोर ने झड़प्यो। हमलाखोर युवक गाजियाबाद नो रहवासी। आणंदना उमरेठ में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में पत्थरमारो। समग्र घटना सीसीटीवी आया सामे। मूर्ति खंडित करवा मामले मंदिर पुजारी पुलिस फरियाद दाखिल करी। वीएसपी और बजरंग दड़े आरोपी ने तात्कालिक झड़पवा मांग करी। भावनगर मनपाना प्रांगण में चोरी प्रयास। निर्मल नगर थी जप्त करेली लारीओ लई जतो शख्स झड़पायो। गैरकायदेसर दबाण हटावा माटे तंत्रए लारीओ कब्जे करी हती। मनपा थी 3 लारी ने लईने 3 किलोमीटर सुधी लई गयो हतो शख्स। भावनगर आइसक्रीम पार्लर में महानगरपालिकाना आरोग्य विभागे हाथ धर्यु ट्रेकिंग। आइसक्रीम ना अलग अलग नमूना लेवायामां आव्या। सुपर आइसक्रीम में फरियाद बाद कार्यवाही कराई। आइसक्रीम में प्लास्टिक ना रबर की फरियाद करवामां आवी हती। लोकसभा की चूंटणी पहला भाजपे घर घर संपर्क अभियान शुरू कर्यु। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले घाटलोडिया समावेश बोपल खाते कलश यात्रा थकी मारी माटी मारो देश अभियान शुरू करावियो। विधानसभा इंचार्ज बूथ समिति सभ्यों भाजपा कार्यकर्ता जोड़ाया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष बन्या बाद शक्तिसिंह गोहिले प्रथमवार भावनगर की मुलाकात लीधी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकरो शक्तिसिंह भव्य स्वागत कर्यु। शहर विविध विस्तारों में बाइक और कार काफला साथ विशाल रैली योजाई।
ખુલ્લી જીપમાં સવાર થયેલા કોંગ્રેસ અધ્યક્ષનું ઠેર ઠેર ફૂલહારથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમમાં શક્તિસિંહનો ભવ્ય અભિવાદન સમારોહ યોજાયો. કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસ નેતાએ વિવિધ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર પર પ્રહાર કર્યા. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસે કાર્યકર્તા સંવાદ કાર્યક્રમ યોજ્યો. જામનગરમાં લલિત કગથરા, પરેશ ધાનાણી સહિતના નેતાઓની હાજરી, કાર્યકર્તાઓ સાથે સંવાદ કાર્યક્રમનું આયોજન, પાર્ટીને મજબૂત કરવા કાર્યકર્તાઓ પાસે મંતવ્યો લેવામાં આવ્યા. કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડાનો 15 ઓક્ટોબરે 2 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓને લઈને પત્ર. 15 ઓક્ટોબરે એક જ દિવસે જીપીએસસી અને એએમસીના એમપીએચડબલ્યુની પરીક્ષા, બંનેમાંથી કોઈ એક પરીક્ષાની તારીખ બદલવા રજૂઆત. દિલ્હી સીએમ કેજરીવાલ સામે બદનક્ષીના કેસ અંગે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં 3 નવેમ્બરે સુનાવણી. અરવિંદ કેજરીવાલની કોશિંગ પિટિશન અંગે હાથ ધરાશે સુનાવણી. સંજયસિંહ સામે પણ નોંધાયો છે બદનક્ષીનો કેસ. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આગમન. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડી અમદાવાદની આઈટીસી નર્મદા હોટલમાં રોકાણ કરશે. ગઈકાલે પાકિસ્તાની ટીમ અમદાવાદ આવી પહોંચી હતી. 14 ઓક્ટોબરે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો થશે. અમદાવાદની હોટેલ આઈટીસી નર્મદામાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું ભવ્ય સ્વાગત કરાયું. 14 ઓક્ટોબરે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે ક્રિકેટનો મુકાબલો થશે, ત્યારે આજે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અમદાવાદ આવી પહોંચી.